आई वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ़ कौन किचन आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे तो आज मैं फिर जो है क्रिसमस एपिसोड टू बनाने जा रही हूँ मैं आज ये एग पुडिंग बनाऊँगी स्क्रैच से मतलब सही उसमें क्या क्या चीज़ें डलेंगी तो आइए आप किचन की तरफ चलते हैं और मैं इसके इन्ग्रीडियंट्स बताती हूँ अच्छा जो एग पुटिंग बनाने के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती हूँ ये सामने आप इस पे कार्ट पे भी देख लें ये शुगर मैंने ली है और फोर टेबल स्पून शुगर थी और ये थ्री एग्स हैं और वन टिन वो कंडेंस मिल्क है और वन टिन ये कंडेंस मिल्क है और ये थ्री एग्स हैं और अवेपोरेट ये फोर आ, फोर टेबल स्पून शुगर थी और ये अवेपोरेटिड मिल्क है वन टिन और ये वनीला एसेंस मैं डालूँगी दिस इज़ ऑल दी इन्ग्रीडियंट्स लेस के स्टार्ट एट ये सामने आपको रेसिपी कार्ड भी नज़र आ रहा है अच्छा ये मैंने अब पैन जो है चूल्हे पे मैंने फ्लेम पे रख दिया है पैन तो अब मैं ये देखी ये फाइव टेबल स्पून ऑफ़ शुगर है तो मैं अब इसमें कोई पानी वानी ऐड नहीं करना है बस इसको मतलब चीनी को पिघलाना है यानी कैरमल बनाना है इसका ये इसमें इसको कैरमल इसकी बन जाती है चीनी जब चीनी चीनी पिघलेगी तो बस फिर इसको उस पर लगाना है ज़्यादा इसका ब्राउन कलर भी नहीं होने देना है बस जैसे ही चीनी जो है पिघलती है तो फिर मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और फिर मैं इसको जो आपका जो आपने पैन जो है प्रिपेयर करके रखा हुआ है एग एग पुडिंग के लिए तो बस मैं उसमें ये फिर ये कैरमल डाल दूँगी तो इतनी ज़्यादा आँच भी तेज़ नहीं रखनी है बिल्कुल हल्की आँच पर इसको शुगर को पिघलने देना है यानी कैरेमल बनाना है शुगर चीनी पिघलानी है असल में चीनी जैसे ही पिघलती है तो फिर इसको पैन को आप मतलब फ्लेम ऑफ कर दें और पैन को हटा लें और फिर फ़ौर ही इसको जो है फ़ौर ही डाल देना है पैन उसके अंदर पैन के अंदर जो आपने तैयार करके रखा हुआ है तो वो मैं अभी आपको दिखा दूंगी अभी ऐसा ऐसा थोड़ा सा लगता है इसको लेकिन ये है कि इस ये स्टील के पैन में ज़्यादा आसानी से जो है आप नॉन स्टिक पैन ना यूज़ करें उसमें थोड़ा मुश्किल होगी स्टील के पैन में आसानी से जो है वो शुगर जो है मेल्ट हो जाती है जैसे ही मेल्ट होगी तो फिर आपको इसको पैन में डाल देना है फ़ौर ही क्योंकि चूल्हे से उतरते ही ये फ़ौर भी जो है वो सूखने भी लग जाती है चीनी जो है तो ये देखें अभी मैं इस बिल्कुल लो फ्लेम पे ऑन दी फ्लेम एंड कैरमलाइज दी शुगर एंड सेटासाइड ये देखें मैं अब आपको दिखा रही जो चीनी है वो पिघलनी शुरू हो गई है जल जैसे ही बस पिघलती है तो फिर मैं चूल्हा जो है बंद कर दूँगी और इसको मैं उसमें Uh, क्या नाम है uh, उसमें फिर पैन में इसको मैं लगा दूंगी सही से इसको मैं आज बना रही हूँ एक पुडिंग तो ये देखें ये अब चीनी जो है पिघलनी शुरू हो गई है जैसे ही पिघलती है तो मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी इसको फ़ौरन ही फिर निकाल के उसमें पैन में रख लेना है तो ऐसा ऐसा अब चीनी जो है पिघलनी शुरू हो गई है तो मैं फिर अभी इसको उतार के और फिर मैं पैन में लगा आ, ये देखें बस अब ये हो गई है मैं आपको दिखाऊं जैसे ये देखें ये बिल्कुल और कलर बस कलर भी इतना ही बस फ़ौरन ही इसको आपने इसका एक एक करके तीन घंटे फेटूंगी ये पुडिंग का मिक्सचर मैं तैयार कर रही हूँ और इनको तीन अंडों को और आ, इसको चीनी के साथ ये वे कंडेंस मिल्क डाल के इनको अंडों को फेटूंगी और फिर वनैला एसेंस भी डालूंगी ये तीन अंडे मैंने ऐड कर दिए ये दो हो गए और ये तीसरा अंडा ये तीसरा अंडा एड थ्री एग्स एंड कंडेंस मिल्क एंड बीट तो ये मैंने अब तीन अंडे आपके सामने ऐड शामिल कर लिए थे अभी इनको एक मिनट तक बीट करना है तो अब मैं फिर कंडेंस मिल्क भी डाल के इसमें वन टिन एड एग्स एंड कंडेंस मिल्क एंड बीट देन एड बीट फॉर वन मिनट ये मैं अब जो है अंडे मैंने बीट कर लिए हैं वन मिनट तक और मैं कंडेंस मिल्क ऐड कर रही हूँ ये पूरा टिन या हाफ टिन आप हाफ टिन इसे शुगर मैंने नहीं सिर्फ मेल्ट किया है और इसमें शुगर वगैरह कुछ नहीं डालनी है क्योंकि कंडेंस मिल्क में भी शुग, शुगर होती है तो हाफ़ टिन मैंने डाला है ये कंडेंस मिल्क हा एड हाफ़ टिन एंड बीट और ये मैंने अब अंडे बीट कर लिए थे एक मिनट तक और अब मैं ये कंडेंस मिल्क डाल के बीट करूँगी और इसके बाद मैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी डालूँगी अच्छा मैंने अंडे जब ऐड किए थे तो वन टीस्पून ऑफ वनीला एसेंस भी ऐड किया था और देन बीट एड इन दी बाउल एड थ्री एग्स एंड वेला एसेंस एंड देन बीट फॉर वन मिनट एंड देन बीट बीट एंड देन एड कंडेंस मिल्क हाफ टिन एंड बीट अब ये मैंने कंडेंस मिल्क डाल के और अब फिर इसको बीट बीट करना है और फिर मैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स क्या डालने हैं वो मैं बताऊँगी आपको अभी कंडेंस मिल्क डाला है और इसको बीट करना है ये। अच्छा ये अब अंडे मैंने बीट कर लिए थे और कंडेंस मिल्क भी मैंने हाफ टीन जो है मैंने शामिल कर लिया तो ये अब मैं वनीला एसेंस डालने लगी हूँ वनाला एसेंस एंड वनाला एसेंस वन टीस्पून एंड देन बीट बीट एंड देन एड वेपोरेटेड आप मिल्क डाल लें या न, मैं एवेपोरेटेड मिल्क का जो वन एटीन में होता है एवेपोरेट मिल्क वो ऐड कर रही हूँ मैं ये तो फिर इसको बीट करूँगी अभी मैंने जो है अंडे और कंडेंस मिल्क डाला है और वनीला एसेंस डाला है और बीट कर रही हूँ मैं इसको हल्का आप व से भी कर सकते हैं लेकिन हैंड बीटर से मैं कर रही हूँ विक्स से भी इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है मतलब इतना कोई इसको वो फोमी सा नहीं रखना है बस आराम से हर चीज़ जो है वो अंडे भी मिक्स हो जाएँ इसके अंदर और ये मैं अब देखें अब बीट कर रही हूँ इसको कंडे मिल्क और अंडों को और वनीला एसेंस को ये तीन चीज़ें मैंने ऐड की हैं अभी बाउल में और मैं ये देखें बीट कर रही हूँ और अब ये मैंने रोका है अब मैं इसमें वेपोरेटेड मिल्क डालूँगी इसमें चीनी वीनी कुछ नहीं डालनी है अब ये मैंने कंडेंस मिल्क और अंडों को बीट किया था और वनैला सेंस ऐड किया था वन टी स्पून और फिर मैंने बीट किया और अब मैं ये एवेपोरेट मिल्क ये देखें डाल दिया है मैंने ये मैं डाल रही हूँ वन टिन ये ये भी मैं हाफ़ टिन एवेपोरेट मिल्क भी मैं हाफ कप हाफ टिन यूज़ करूँगी ये हाफ uh, टिन यूज़ किया है मैंने एवेपोरेट मिल्क का और फिर इसको बीट करना है थोड़ा सा बीट करके एक दो मिनट बीट करके और फिर मैं इसको आ, उसमें पैन में जो कैरमल मैंने पहले ही उसमें लगा दी थी कैरमल लगा के रख दी थी उसमें टिन में और फिर मैं अभी ये क्या नाम है हाफ टिन टिनपोरेटिन मिल के बीट करके ये मिक्सचर भी मैं उसमें शामिल कर दूंगी टिन में और फिर मैं आपको आगे क्या करना है बताऊंगी या तो आप इसको स्टीम कर लें या बेक कर लें तो मैं आज स्टीमर यूज़ करूँगी स्टीमर को मैंने पहले ही चूल्हे पे चढ़ा दिया स्टीम बना लिए और वो किस तरह आप इसको हल्का सा पैक करके ताकि क्रीम गिरे नहीं तो इसलिए इसको प्लास्टिक के उसमें प्लास्टिक रैप से उसको लगा के और फिर इसको वो लगा ये देखें मैंने अब बीटर जो है बंद कर दिया है और फिर ये बीट कर लिया बस हल्का सा ही एक दो मिनट ही बीट करके और फिर मैं इसको पैन उसमें पैन में डाल के और फिर मैं स्टीम करूँगी स्टीमर मैंने पहले ही जो है चूल्हे पे चढ़ा दिया है ये मैंने अब बीटर जो है बंद कर दिया है हैंड बीटर को बंद करके रख दिया है क्योंकि सारी चीज़ें कंबाइन हो गई हैं कम्बाइन ऑल इंग्रेडिएंट्स एंड दैन पोर दी बैटर इन पैन एंड स्टीम स्टीम फॉर ट्वेंटी टू तो ट्वेंटी फाइव मिनट्स इसको करना है और फिर ये एग जो है एग पुडिंग तैयार हो जाएगी ये क्रिसमस स्पेशल एपिसोड है टू पहली मैंने आपको केक ब, एक वो केक बनाना सिखाया था फ्लावर केक पर्पल फ्लावर केक मैंने बनाना सिखाया था पहली एपिसोड में तो आज मैं फिर क्रिसमस एपिसोड बना रही हूँ ये एग पुडिंग बना रही हूँ मैं आज इसमें तो ये देखें बीटर और सारी चीज़ें कंबाइन करके और फिर पोर कर पोर करना है बैटर को इसमें टिन में जहाँ पहले मैंने कैरमल उसमें ऐड कर दिया था और फिर मैं इसको स्टीम करूँगी उसमें स्टीमर में स्टीम करूँगी इसको ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव मिनट्स ये देखें ये ये हो गया है बैटर तो हो गया था और अब ये बैटर बिल्कुल तैयार हो गया है तो मैं अब इसको उसमें केक टिन में डाल के और फिर मैं इसको स्टीम करने रख दूँगी ये देखें ये स्टीमर इसमें डाल दिया मैं ये पोर कर रही हूँ बैटर सारा मैंने कैरमल इसमें पहले ही लगा दिया था इस पेपर से मैंने ढक दिया है इसको फॉइल पेपर से तो अब मैं जो है इसको मैं अब उस पर रखने लगी हूँ ये फॉइल उस पर स्टीम पे रखने लगी हूँ पे, अब मैं स्टीमर में रखने लगी हूँ और अब इसको मैं वो करूँगी और फिर फ्रिज में रख दूँगी उठा के थोड़ी देर ये स्टीम हो गया है मैंने वो इसको चमचा रखे और वो केक टेस्टर जो होता है उसे चेक किया है तो ये स्टीम हो गया तो अब मैं इसको पंद्रह मिनट के लिए फ्रिज में रखूँगी फिफ्टीन टू एटीन मिनट्स के लिए जब तक सेट होता है फ्रिज में रख दें ठंडा करके सर्व करना है फिर अब फिर मैं आपको डिश आउट करके भी दिखाऊँगी ये एग पुडिंग हो गई है सही है ये मैंने फ्रिज में रख के अभी फ़िफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स फ्रिज में रख के और फिर मैं अब ये मैंने डिश आउट कर लिया है आज जो क्रिसमस की एपिसोड टू थी मैंने ये एग पुडिंग देखें तैयार हो गई है ये मैंने वो उसमें पोर करके और ये स्टीम हो गई थी तो फिर मैंने फ्रिज में रख दिया था इसको फॉर मतलब ठंडा करके इसको फिर फ्रिज में रखा है और अब निकाला है फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट फ्रिज में रखा है तो ये देखें बिल्कुल तैयार हो गई है ये कैरेमल सॉस और इसके साथ ये सर्व करें Uh, और ये क्रिसमस एपिसोड टू थी शेयर माय रेसिपीज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल एंड मस्ट फॉलो द इंस्टाग्राम एंड थैंक्स फॉर वाचिंग बाकी तस्वीरों में आपको मैं दिखा देती हूँ अच्छे से